हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मेट एंड ज्योति एजुकेशन चैनल। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट समझे थे, स्टीपर, क्लाइंबर, स्टोलोन। उसके बाद हम लोग समझे थे हार्ड, सूस, है ना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट समझने के बाद हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट एनाटॉमी पहले खत्म करेंगे, मीन्स प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्ट्स का क्या रोल है, प्लांट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का अलग अलग रोल है। जैसे हैंड है, पिकअप करने के लिए होता है, माउथ स्पीक करने के लिए, साथ ही साथ ईटिंग के लिए, है ना, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए, आई देखने के लिए, आई टू सी, है ना, ईयर टू ईयर। इसी तरह से प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स के अलग अलग रोल्स होते हैं। पहले अगर हम एक टिपिकल प्लांट्स की बात करें तो ये देखिए, एक टिपिकल प्लांट में प्लांट के बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स कंसिडर करते हैं। प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स वो होते हैं जो अंडर द सॉइल ग्रो करते हैं। देखते हैं ना, प्लांट को अगर उखाड़िएगा तो एक पार्ट होगा वो सॉइल के अंदर रहेगा, और ये जनरली वाइट कलर का होता है या कहें कलरलेस होता है। ये जनरली कलरलेस होता है, इसमें जो कलर होता है वो इनके टिश्यू के कारण होता है, रूट का कोई कलर नहीं होता है। और अगर ऊपर की अगर बात करते हैं तो ऊपर भी एक पार्ट ग्रो करता है जिसमें जो अपवर्ड ग्रोथ होता है, है ना, ऊपर की ओर बढ़ता है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है या पुराना हो जाता है तो ब्राउन कलर का होता है। तो प्लांट के दो पार्ट्स, है ना, इस प्लांट इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं। ये प्लांट हो गए आपके, एक ये टिपिकल है। अब इसमें कहीं कहीं देखिएगा कि कुछ पार्ट्स है इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे आपको ये फ्लावर्स हो गया, समझे ना, फिर आपको इसमें फ्रूट आ सकता है, इसमें से अलग से ब्रांच निकल सकता है, है ना। तो बेसिकली प्लांट के दो पार्ट है, एक पार्ट जो सॉइल के अंदर है और एक पार्ट जो सॉइल के बाहर है। तो जो पार्ट सॉइल के अंदर है इसको हम लोग कहते हैं रूट, और जो पार्ट सॉइल के बाहर है इसे हम लोग कहते हैं शूट। तो टिपिकल प्लांट के दो पार्ट हो गए, रूट और शूट। कोई कहेगा रूट प्लांट के पास, पार्ट ऑफ द प्लांट, दो पार्ट, रूट है शूट। अब शूट के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे शूट में आ गया लीफ, आ गया फ्लावर्स है, फ्रूट आ गया। अब इसी में फ्लावर में बड भी हो सकता है, है ना, इसमें ब्रांचेज हो गए, ये पार्ट है, इसको हम लोग स्टेम कहते हैं। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, हम सबके बारे में डिटेल से जानेंगे, बहुत डिटेल से, क्योंकि इसका यूज कीजिए और इस चीज़ को समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट का दोनों वाइटल पार्ट है। अगर कहें कि प्लांट का इम्पोर्टेंट या वाइटल पार्ट कौन सा है तो कहेंगे प्लांट का वाइटल पार्ट दोनों है, रूट भी है और शूट भी है। रूट का क्या काम है, रूट क्यों होता है, रूट कितने प्रकार का होता है, क्या रूट में मॉडिफिकेशन भी होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह इसका भी स्टडी करेंगे हम लोग। हम लोग देखेंगे कि प्लांट के पार्ट्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है और होता है तो क्यों, और ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी, रूट की। तो पहले हम समझें रूट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज रूट, रूट का डेफिनेशन। तो रूट कहता है पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग डाउनवर्ड और पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका सिंपल सी बात है, आप इसकी ओरिजिन के आधार पर, जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो, है ना, क्लास फाइव, थोड़ा सा डेफिनेशन, मॉडिफिकेशन इसलिए होता है कि फिर थोड़ा सा और भी अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हैं, फिर हम समझते हैं कि प्लांट का जन्म कहाँ से होता है, प्लांट कहाँ से आता है। तो प्लांट या तो सीड से बनता है, या स्टेम से बनता है, या रूट से बनता है।
अलग अलग चीजों से मिलता है। अब उस आधार पर थोड़ा सा डेफिनेशन होता है। बहरहाल माना जाता है कि प्लांट का जन्म किससे होता है, सीड से होता है, सीड से ही होता है। उस आधार पर थोड़ा सा रूट का डेफिनेशन चेंज होगा आगे। तो रूट कहेंगे कि पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हुआ जिसमें हम लोग समझ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में रूट क्या है। क्या बता रहे हैं, पार्ट ऑफ द प्लांट, ये वर्ड कहता है, ये कहता है कि प्लांट पार्ट, रूट क्या है, प्लांट का एक पार्ट है। रूट क्या है, प्लांट का पार्ट है जो डाउनवर्ड ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है, डाउनवर्ड मतलब जमीन में नीचे की ओर, नीचे रूट ऊपर की ओर कभी नहीं बढ़ता, नीचे की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इसलिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के लिए, कहां से, सॉइल से। क्यों, प्लांट के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो समझिए, रूट पहले क्या है, प्लांट का पार्ट है जो कहां ग्रो करता है, डाउनवर्ड ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के लिए। अभी वाटर एंड न्यूट्रिएंट कहां से अब्सॉर्ब करता है, तो ये सॉइल से अब्सॉर्ब करता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो ये रूट का टिपिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग डाउनवर्ड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए सॉइल से वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करने वाला पार्ट जो नीचे की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ठीक है। अब सिंपल सा डेफिनेशन भी हो सकता है ना, ये भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग डाउनवर्ड जो नीचे की ओर बढ़ता है वो पार्ट करता है। ये भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, ये भी कह सकते हैं। हम दो तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक बढ़िया सा डेफिनेशन तैयार किए हैं जिससे कि इन ऑल रूट के बारे में बेसिक चीजें बताई जा सके। आप रूट के बारे में बेसिक चीजें बता दिए, क्या बता दिए कि रूट क्या है, प्लांट का पार्ट है। पहले आपने बताया रूट क्या है, प्लांट का पार्ट है। आगे क्या आपने बताया कि डाउनवर्ड बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है मिट्टी में, है ना। क्यों बढ़ता है, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के लिए, कहाँ से, सॉइल से। तो ये आपने रूट के बारे में समझ लिया, ये आपको समझ में आ गया रूट क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम क्या है। अब जैसा कि रूट कोई सिंगल नहीं होता है, अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेनी रूट्स इज कॉल्ड रूट सिस्टम, अ कलेक्शन ऑफ मेनी रूट्स इज कॉल्ड रूट सिस्टम। काफी काफी सारे इसमें काफी सारे रूट्स हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम दो तरह का, मीन्स क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ रूट्स, कलेक्शन ऑफ रूट्स, काफी सारे रूट्स मिल गए तो उसको हम लोग कह देंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम दो तरह के, रूट सिस्टम दो तरह के, ठीक है। कौन कौन, पहला टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। हम लोग रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रूट सिस्टम दो तरह के, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब समझेंगे टैप रूट सिस्टम क्या है, टैप रूट सिस्टम, ध्यान रखिए रूट सिस्टम का मतलब हो गया अ कलेक्शन ऑफ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम प्लांट, ग्रोइंग फ्रॉम प्लांट, प्लांट के नीचे से। तो पहला हो गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मीन कहते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम इन विच वन फीड रूट
grows in the plant. हाँ, अगर रूट में एक ही और थोड़ा सा आप जोड़ देते हैं, थोड़ा सा अगर 5-6 लेवल की बात करते हैं, 5-6 स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा इनहांस करेंगे तो रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम के बाद यही से आ जाता है, इसको हम थोड़ा सा और इनहांस करेंगे। फिलहाल सबसे टॉप रूट सिस्टम क्या है, वह रूट सिस्टम जिसमें एक मोटा सा रूट ठीक रूट ग्रो करता है नीचे की ओर, जिसमें एक मोटा सा रूट आ रहा है, ये रूट आ रहा है, ये रूट आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये जो आ रहा है मोटा सा रूट आ रहा है। हाँ, अब इसे काफी सारे सपोर्टिंग रूट्स आएंगे, ये जो रूट हो गए सपोर्टिंग रूट है, ये मेन रूट है, ये है ना, जो मोटा सा रूट आता है इसको हम लोग कहते हैं मेन रूट, या इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। आगे हम बात करें मेन रूट या प्राइमरी रूट, उसके बाद ये सब जो रूट हो रहा है ये सपोर्टिंग रूट है। अब सपोर्टिंग रूट को दो भागों में ऐसे बांटे हैं, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। तो आप जेनेटिक क्लासेस में यही पढ़ेंगे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। हम इसकी बात करते हैं मेन रूट और सपोर्टिंग रूट, उसको समझे क्यों कहेंगे। पहले समझते हैं रूट सिस्टम जिसमें एक थीक रूट, एक मोटा सा रूट ग्रो करता है, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे प्राइमरी रूट। अगर हम क्लास 5-6 की बात करते हैं तो 5-6 में रूट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या कहेंगे कि मॉडिफाइड रेडिकल दैट ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल इज नोन एज रूट। अब इसके लिए थोड़ा सा फार्सी को हम समझा देते, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि सब दिक्कत चलेगी। इसमें आ गया मॉडिफाइड रेडिकल दैट ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल। इसके लिए हमें ये समझने के लिए हम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जर्मिनेटिंग सीड, इसको समझना पड़ेगा जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो कहते हैं मान लीजिए ये कि जर्मिनेटिंग सीड है, जर्मिनेटिंग सीड में पता ना आपको सीड को उठाया, इसके अंदर कोटिलडॉन होता है, एम्ब्रियो होता है ना, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल छोटा सा छेद होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं, जिससे जिससे आपका रेडिकल बाहर निकलता है, स्प्राउट बाहर निकलता है, स्प्राउट समझ रहे हैं ना, स्प्राउट अंकुरित होना, जो कोई भी सीड है उसको चना ले लीजिए या फिर आपको मूंग ले लीजिए या फिर आपको वीट ले लीजिए, कोई भी सीड ले लीजिए, उसको पहले अच्छी तरह से भिगो दीजिए, उसके बाद उसको कपड़े में बांध दीजिए, तो वाइट वाइट स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलता है, जो वाइट बाहर की ओर स्ट्रक्चर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्प्राउट, इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउट वास्तव में क्या है, तो यहाँ से एक पहले वाइट स्ट्रक्चर निकलता है, ये स्ट्रक्चर वाइट क्या हम उसको कहते हैं कलरलेस स्ट्रक्चर, वो डाउनवर्ड बनता है, तो जो स्ट्रक्चर डाउनवर्ड बनता है इसी को कहते हैं रेडिकल। अब इसके कुछ समय के बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर निकलेगा ग्रीन कलर का, है ना, इसको कह देंगे रेडिकल एंड प्लूमिन, ये हो गया प्लूमिन। तो रेडिकल आगे चलकर रूट में डेवलप हो जाएगा, अब प्लूमिन रूट में डेवलप होगा, तो यहाँ से ये डेफिनेशन कहेंगे मॉडिफाइड रेडिकल दैट ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट, ठीक है। तो अब यहाँ से ये डेफिनेशन आ गया प्राइमरी रूट, टैप रूट, तो टैप रूट ठीक रूट सिस्टम, ठीक एंड स्ट्रॉन्ग रूट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम, है ना, इसमें एवं ठीक रूट ग्रो करता है। अब टैप रूट सिस्टम में तीन तरह के रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, पहला पद मेन रूट या इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, फिर हो गया सेकेंडरी रूट,
फिर हो गया आपका सारी रूट। और ये आगे चलकर मॉडिफाइड हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। तो पहले समझेंगे प्राइमरी रूट क्या है, सेकेंडरी रूट क्या है, टर्शियरी रूट क्या है, उसके बाद फाइब्रस रूट की बात करें। तो पहले समझें प्राइमरी रूट क्या है। प्राइमरी रूट मेन रूट मेन ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूट। डेवलप फ्रॉम डेवलप्ड ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिकल। अगर समझे थे जो रेडिकल होता है, रेडिकल ही आगे चलकर जो मॉडिफाई होगा, डेवलप होगा, ग्रो करेगा, उसी को हम कह देंगे प्राइमरी रूट या मेन रूट। जो रेडिकल है था ना, यहाँ से आपका ये सीड है, सीड है, सीड से रेडिकल आया, रेडिकल ही नीचे करके डेवलप हुआ, ये आगे चलकर किसमें चलेगा? प्राइमरी रूट। ये रेडिकल आ जाएगा, प्राइमरी रूट में डेवलप होगा, ये देखिएगा ये रेडिकल आगे चल करके फिर इस तरह से डेवलप होगा। तो इसे ये जो रूट निकल रहा है इसको कहेंगे सेकेंडरी रूट। फिर देखिएगा इससे भी रूट डेवलप होगा, तो ये हो गया टर्शियरी। और इससे भी पतले पतले रूट डेवलप हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं रूट। आगे समझेंगे इन सब का क्या रोल है और इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। हालांकि ये जानना फिर आपको हाईएस्ट लेवल का, आपको इंटर लेवल में चला जाएगा। तो यही वीडियो जो हम बता रहे हैं साथ साथ, पहले में दो तरह की वीडियो चलेंगे इन टॉपिक्स की, एक तो आप लोगों के लिए बच्चों के लिए चला रहे हैं, प्लस दूसरे आपके भैया जो नाइन्थ टेंथ में एटलीस्ट है, टेंथ नाइन्थ में है एटलीस्ट, उनको भी समझ में आ जाएगा। नाइन्थ से ऊपर दो पार्ट में वीडियो बन रहा है, एक सिक्स सेवन तक के बच्चों को और दूसरा नाइन्थ टेंथ से ऊपर के बच्चों को, चूँकि हम आपके अंदर एक डॉक्टर देख रहे हैं, कल के डेट में आपके परिवार का पहला डॉक्टर आपको देख रहे हैं या एक अगला डॉक्टर आपको देख रहे हैं। आपकी जनरेशन की बात कर रहे हैं, आप में के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत कैपेसिटी है। पता है ना कि आपकी उम्र में मैं अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे तो उन्होंने पूतना का वध किया था, उन्होंने कंस का वध किया था, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, तो वास्तव में वो कहानी नहीं है, वो आत्मबल की बात होती है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण खेल कूद में लगे रहे, तो भगवान कृष्ण से खेलना कूदना तो सीख गए आप लोग, नटखट बनना तो सीख गए आप लोग, लेकिन उनसे एक चीज नहीं सब सीखे आप लोग, वो क्या है कि अपनी सारी ऊर्जा को, जितनी आप में एनर्जी है उस एनर्जी को कंसंट्रेट करके कोई काम करना है। तो आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके अगर काम कीजिएगा तो कल के डेट में आप डॉक्टर इंजीनियर एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो मैं चूंकि आपको एक अच्छा फ्यूचर का मैं एक डॉक्टर आपके अंदर देख रहा हूँ, इसीलिए आपको चीज़ें कुछ और डिटेल से समझा रहा हूँ, अब ये समझ लीजिए ठीक है। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप अच्छी मेहनत घर से मेहनत करेंगे और कल के डेट में आप अपने घर का एक डॉक्टर बनेंगे, प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो थोड़ी सी मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप ये अपने आप में प्रॉमिस करेंगे कि हाँ आई विल बी फ्यूचर डॉक्टर फ्रॉम माई फैमिली, ठीक है। इससे आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात बड़ी कम हो जाती है जब आप टेंथ तक खेलते कूदते रहते हो, तो कॉम्पिटिशन है, बहुत से बच्चे हैं, अभी भी लॉकडाउन है तो स्कूल बंद है, तो आप लोग तो मस्ती कर रहे हो, चलो यार स्कूल बंद है तो क्या पढ़े। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं चलो यार स्कूल बंद है तो क्या है, बुक्स तो ले लिए, बुक्स ले लिया, बुक्स अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जान प्रभाव भी कीजिए, अभी सक्सेस होइएगा ना। चलिए तो हम प्राइमरी रूट की बात किए कि मेन ठीक रूट, मेन ठीक एंड स्ट्रॉन्ग रूट डेवलप ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिकल। मोटा और मजबूत रूट जो रेडिकल के मॉडिफाई होने से, रेडिकल के इनलार्ज होने से बनता है, क्या कहलाता है? प्राइमरी रूट। क्या कहलाता है? प्राइमरी रूट। ये जान लीजिए जितने भी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट या रूट हेयर, ये सारे के सारे रूट
जो कुछ भी स्वाद से ऑब्जर्व करते हैं सब प्राइमरी रूट को दे देते हैं। सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट एक्सटेंसर रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट इज नोन एज सेकेंडरी रूट। अब ये तो थ्री रूट प्राइम रूट आ गया, अब प्राइमरी रूट से भी एक रूट एक्सटेंशन निकला, ये एक्सटेंशन से कहते हैं ये रूट जो निकला है या ये रूट जो निकला है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। हाँ एक चीज है, ये सर प्लांट में भी एक से अधिक प्राइमरी रूट हो सकते हैं, पर जनरली प्लांट में एक ही प्राइमरी रूट होते हैं, पर सेकेंडरी रूट बहुत सारे हो सकते हैं, सेकेंडरी रूट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने देखा है अगर पोल कोई खड़ा करना हो, पोल खड़ा करना हो तो इसमें ढेर सारे रस्से लगा दिए जाते हैं, है ना, पकड़े रहते हैं इसको, तार से बंधा हुआ रहता है ना ये सपोर्टिंग के लिए, तो जो सपोर्टिंग रूट होता है इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट, है ना। और कहते हैं सेकेंडरी रूट इज, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी रूट इज मेन सपोर्टिंग रूट ऑफ द प्लांट, मेन सपोर्टिंग रूट ऑफ द प्लांट। ये क्या है सेकेंडरी रूट, प्लांट का मेन सपोर्टिंग रूट है जो और काफी दूर तक मिट्टी को पकड़े रहता है। रूट तो डाउनवर्ड से, मेन रूट सीधा डाउनवर्ड ग्रो करेगा ना, तो बगल 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 में और उसको चूंकि आगे चलकर पेड़ बहुत विशाल हो जाता है, है ना, बहुत वास्ट हो जाता है, काफी सारे उस पर ब्रांचेज निकल जाते हैं, फ्रूट होते हैं, तो सब लैडर रूट से काफी वेट हो जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो नीचे से भी काफी सारे सेकेंडरी रूट बन जाते हैं, और जो सेकेंडरी रूट होते हैं और दूर से उसको अच्छी तरह से सॉइल को फर्मली पकड़े रहते हैं, सो दैट कुछ भी हो जाए प्लांट गिरे नहीं, जैसे आंधी चला हवा है तो ठीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइमरी रूट हो, जो सिंगल रूट के सहारे हो तो गिर सकता है, चूंकि आगे जब हवा चलेगा ना तो बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, तो डर होता है कि अपरूट हो जाए मतलब उखड़ जाए, तो उसे बचाना है, बचाने के लिए क्या करता है कि साइड में ढेर सारे सेकेंडरी रूट निकल आते हैं, अब सेकेंडरी रूट कुछ उसको सपोर्ट किए, तो प्राइमरी रूट सपोर्ट कर रहा है, सेकेंडरी रूट सपोर्ट कर रहा है, तो और फैमिली सपोर्ट हो जाता है जिसके कारण वो अपरूट होने से बच जाता है। तो हम बात करें सेकेंडरी रूट की, बात कर लिए क्या कि एक्सटेंशन रूट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से जो रूट डेवलप होता है एक्सटेंशन रूट उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट रूट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी रूट, इज नोन एज टर्शियरी रूट। अभी सेकेंडरी रूट से जो रूट डेवलप किया, ये सेकेंडरी रूट है ना, इससे जो रूट डेवलप किया ये हो गया टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट से जो रूट डेवलप किया वो क्या टर्शियरी रूट। और होता है रूट हेयर्स, फाइन रूट्स डेवलप फ्रॉम टर्शियरी रूट, इज नोन एज रूट हेयर, ठीक है। अब टर्शियरी रूट से भी जो पतले पतले रूट निकल जाते हैं, टर्शियरी रूट हुआ, टर्शियरी रूट से जो पतले पतले रूट निकलते हैं इसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स। इसके बारे में डिटेल से जानना हो तो अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उन वीडियो में डिटेल में आपको बताया जाएगा प्राइमरी रूट के बारे में, प्राइमरी रूट स्ट्रक्चर, ये 9-10 के बच्चों के लिए, लेकिन आप ये देख सकते हैं नॉलेज लेना है ना, सेकेंडरी रूट का स्ट्रक्चर की प्राइमरी उसको सेकेंडरी रूट क्यों कहते हैं, क्या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है, टर्शियरी रूट कैसे अलग होता है, रूट हेयर
इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी रूट कैसा होता है, प्राइमरी रूट का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी रूट क्या कैसा होता है, क्या फंक्शन है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी इतना ज़्यादा बता पाना संभव नहीं है। आपको ये ध्यान में रखें कि उतना ज़्यादा भी आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। दैट्स वाई अभी आप लोग डेफिनेशन तक आइए, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और रूट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी विद अस इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस फाइबरस रूट सिस्टम।